राधे राधे फ्रेंड्स, इस कृष्णवाणी में श्री कृष्ण जी कहते हैं, इस संसार में आपका सबसे बड़ा शत्रु कौन है? ये प्रश्न किसी से भी पूछ लीजिए, प्रत्येक व्यक्ति के पास किसी न किसी का नाम अवश्य ही होगा जिसे वह अपना शत्रु मानता होगा। फिर इसके आगे इस कृष्णवाणी में श्री कृष्ण जी कहते हैं, चलिए आज मैं आपको वास्तविकता ज्ञात कराता हूँ। तब कहते हैं कि इस संसार में आपका सबसे बड़ा शत्रु कोई नहीं है। अगर इस संसार में आपका सबसे बड़ा शत्रु कोई और है तो वो भी है आप। वो भाव कहीं और नहीं जो आप ही के अंदर बसते हैं। और इसके आगे कहते हैं कि ये भाव आपको नष्ट कर सकते हैं और आपको दुखी भी कर सकते हैं। भाव जैसे अहंकार, लोभ, क्रोध, ये सब आपके पतन का कारण बन सकते हैं। और अहंकार किसी और को तुच्छ समझने पर वह विवश कर देता है। लोभ आपकी कामनाएं को बढ़ाता है और क्रोध जिसकी सर्वप्रथम अग्नि आपको ही जलाती है। जैसे अब हम किसी और के शत्रु के लिए सोचते हैं और इस शत्रु के लिए क्या, कैसे इस शत्रु को पराजित किया जाए और कैसे इसे मार दिया जाए, और ये भाव कैसे पराजित करें जब आपके ही भीतर ये सब बसती हैं? क्या है कोई अस्त्र जिसे ये खत्म कर सके? हाँ, है अस्त्र, और इस अस्त्र का नाम है संतुष्टि। और बताते हैं कि यही संतुष्टि है जो आपके मन को शांत रखेगी। क्या यही संतुष्टि है जो आपके जीवन में सुख और आनंद को सागर तक ले जाएगी? इसीलिए जीवन में सदैव संतुष्ट रहिए, जो है उसमें आनंद ढूंढिए, जीवन सदैव सुखी होगा। और अंत में कहते हैं, राधे राधे।